पुणे में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाली जबलपुर की अश्विनी कोष्टा और उसके दोस्त अनीस की मौत से देश भर में शोक की लहर है। इसे लेकर जबलपुर के युवाओं ने गुरुवार को मालवीय चौक पर सड़क हादसे में मारी गई अश्विनी कोष्टा और अनीस की फोटो रखकर नौ मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। युवाओं का कहना है कि इस हादसे में कार चालक की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती उन माता पिता की है जो अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। आज हम सभी अपनी बड़ी बहन अश्विनी दीदी एवं हमारे बड़े भाई अनीश भैया को श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। जिस लड़के ने ये ऊना में जो कार सड़क हादसा हुआ है, इसमें लापरवाही प्रशासन और उसके माँ बाप की है, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में बिना लाइसेंस के उसको कार दी और कार में नंबर नहीं था। वो नाबालिग होने के बावजूद बार में बैठ के शराब का सेवन कर रहा है और प्रशासन सो रहा है। इसमें साफ गलती प्रशासन की है और ये गलती के बाद उसको कह दिया जाता है कि आपको 300 शब्दों का निबंध लिख के देना है। ये कहाँ का न्याय है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं एवं प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दीदी को और भैया को अपने चरणों में स्थान दे। आज हम सारे युवा साथी जबलपुर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है श्रद्धांजलि देने के लिए। जो पुणे में कार हादसा हुआ जिसमें वो 17 साल का नाबालिग लड़का, उसकी गलती नहीं है, ये मेन गलती उनके माँ बाप की है जिनने उनको अच्छी परवरिश नहीं दी। इसलिए हम लोग ने आज उनके लिए श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित की और हम यही चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो बार में बैठ के वो दारू पी रहा था वो उन पर भी कार्रवाई हो और इस सब पे जल्दी से जल्दी माँ बाप को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। बस हमारी यही गुजारिश है कि सब अपने माँ बाप से कि सब अपने बच्चों का ध्यान दें। बाकी हम सब यहाँ युवा साथी आज अनीश और अश्विनी के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए मालवीय चौक पे। जय श्री राम, जय भारत। आज बड़ा दुखद समाचार प्राप्त हुआ। पूना में संस्कारधानी की अश्विनी कोष्टा नाम की पुत्री, उसका एक्सीडेंट हो गया है। पहले तो मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से और कानून से कहता हूँ कि ये दो बच्चों का जो एक्सीडेंट हुआ है इसके साथ पूरा न्याय किया जाए, क्योंकि आज देखने बहुत जगह यह मिल रहा है कुछ बड़े लोगों के कारण प्रशासन कभी साथ देने में आगे पीछे होता है। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और आगे भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को ध्यान दें। मेरे स्वार्थ के द्वारा आज मालवीय चौक पर दुखित परिवार के लिए श्रद्धांजलि दी। इसमें उपस्थित रूप से निर्णय अग्रवाल जी, ओम तिवारी जी और उनकी समस्त टीम ने सबसे मिलकर आज श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल, इंडिया न्यूज़।